नमस्कार साथियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकंड ईयर के छात्र छात्राओं, आपकी सेकंड पुस्तक द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। यह पुस्तक भारतीय संविधान के आधार पर निर्मित है। इसमें दिए गए सभी अध्याय भारत की शासन व्यवस्था से संबंधित रखते हैं। संविधान में दिए गए बंधों के आधार पर जो व्यवस्था हम रह रहे हैं, उन व्यवस्थाओं का विवरण दिया गया है। आज इसी क्रम में आज हम राज्यपाल के स्व विवेकीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल के पास में स्व विवेकीय शक्तियाँ होती हैं। राज्य का सबसे प्रभावी व्यक्ति राज्यपाल होता है। संविधान ने राज्यपाल को अपार शक्तियाँ प्रदान की गई। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र से की जाती है और वह राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। वह संवैधानिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के संबंध में उसको परामर्श लेना आवश्यक है। जब विधानसभा में किसी एक राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, उस स्थिति में वह स्वविवेक के आधार पर निर्णय करता है कि किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाए। ऐसी परिस्थितियाँ भी कई बार आती हैं जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है और ये माना जाता है कि संविधान के अनुसार दिए गए उपबंधों के आधार पर कोई भी दल या पार्टी उसको नहीं कर पा रही है, उन योग्यताओं को धारण नहीं कर पा रही है जो संविधान ने प्रदान की है। उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्र शासन की अनुशंसा कर सकता है और संपूर्ण शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिन पर राज्यों का शासन आधित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्री परिषद की सलाह अवश्य रूप से माननी होगी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे होगा जिनके करने से उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। एके अय्यर ने भी इस बार विचार लिखा कि राज्यपाल केवल एक सैद्धांतिक अध्यक्ष ही है। संविधान निर्माताओं द्वारा जिन प्रकार के से राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के सिद्धांत को अस्वीकार करके मनोनयन के सिद्धांत को अपनाया था, उससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष ही मानना चाहते थे। राज्यपाल को सरोजिनी नायडू ने अपने शब्दों में कहा कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। विजय लक्ष्मी पंडित ने यहाँ तक कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं वरन
वेतन का आरक्षण। इस प्रकार हम आज बात करते हैं सीएए की शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को सीएए की शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसे वह बिना मंत्री परिषद की सहायता के भी कर सकता है तथा इसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की सीएए की शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीएए की शक्तियों में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को अपने कर्तव्यों को करने में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सहायता दी, इसकी किसी भी मामले में जांच नहीं की जा सकती। राज्यपाल का पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राज दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और बहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो बहुमत वाले दल के नेता ने में पद के लिए एक से अधिक दावेदार हैं, तो इस संबंध में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं राज्यपाल के द्वारा निर्णय किया जाएगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन हो सकता है। व्यवहार के अंतर्गत भी ऐसा कुछ परिस्थितियाँ आईं जब राज्यपाल ने स्वविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त किया। सर्वप्रथम 1952 में श्री राजगोपालाचार्य मद्रास राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं थे और न ही कांग्रेस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी राज्यपाल श्री प्रकाश टी ने बहुमत प्रस्ताव प्राप्त होने के दावे की अवहेलना करते हुए श्री राजगोपालाचार्य को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था। फरवरी 2005 में गोवा के राज्यपाल जमीर के आचरण ने विवाद को जन्म दिया। 2005 में झारखंड के राज्यपाल सैयद सत्यजी के आचरण ने सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के संवैधानिक विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य कर दिया था। मंत्रिपरिषद को भंग करना। राज्यपाल को यह विवेक की शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अभ्यस्त कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल द्वारा यह कार्य विशेष परिस्थिति में ही किया जाता है। राज्यपाल को यह भी विवेक शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अभ्यस्त कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा कैसे किया जाता है? यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल या विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो, तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पद से हटा सकता है। यदि किसी विधानमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्याग पत्र न दे, तो राज्यपाल उसे समाप्त कर सकता है। यदि विधानमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो, तो या उसकी नीतियों में राज्य या देश को खतरा उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी स्थिति में राज्य से संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया जा सकता है, तब भी मंत्रिमंडल को उनके पद से हटाने का कार्य कर सकता है। ऐसा 1976 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल को इसी आधार पर बर्खास्त किया गया था। यदि मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी सिद्ध किया गया हो, तो राज्यपाल उसे पद से
हटा सकता है। अगला है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का अधिवेशन बुलाया जाता है। सत्रावसान तथा विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी राज्यपाल में निहित होती है। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल विवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। यदि राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए, तो वह अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी स्थिति निश्चित कर सकता है। इस संबंध में वह मुख्यमंत्री से परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अगला, विधानसभा को भंग कर। उत्तरदायी शासन की अवधारणा के अनुसार विधानसभा को भंग करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, परंतु उसके लिए मुख्यमंत्री परामर्श थे। लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के लिए मुख्यमंत्री के परामर्श को इनकार कर सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना भी विधानसभा को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना विधानसभा को भंग करना किया जा सकता है। ऐसा कई बार हुआ है जिसमें राज्यपाल ने अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग किया। 1953 में ट्रावणकोर कोचीन में पराजित मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दी, जिसे उसने स्वीकार लिया। 1984 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन द्वारा फारूक अब्दुल्ला मंत्रिमंडल की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। 1976 में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा को भंग किया गया था। अगला है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। संविधान के अनुसार राज्यपाल की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल इस संबंध में अपने विवेक के आधार पर निर्णय करता है कि मुकदमा दायर करने की अनुमति दे या नहीं दे। राज्यपाल द्वारा विवेक के आधार पर की गई इस निर्णय को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। 1995 में जयललिता प्रकरण में से स्पष्ट किया गया कि जब कोई पक्ष भ्रष्टाचार या किन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है, तब इस संबंध में वह अपने ही विवेक के आधार पर निर्णय करेगा, अर्थात वह विवेक के आधार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। वर्तमान समय में जब हर किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तब राज्यपाल की यह शक्ति व्यवहारिक राजनीति में बहुत अधिक महत्व प्राप्त कर लेती है। राज्यपाल द्वारा स्वविवेक के आधार पर किए गए इस कार्य को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में चुनौती दी जा सकती है। 9 नवंबर 2004 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने अपने एक निर्णय में कहा कि राज्य का राज्यपाल अपने ही विवेक के आधार पर किसी मंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त भी राज्यपाल के द्वारा स्वयं से कुछ कार्य किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री से किसी विशेष सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने अकेले निर्णय कर लिया हो, समस्त मंत्री परिषद के सामने रखें, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। अगला है, केंद्र सरकार का एजेंट।
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। पहला वह है राज्य का प्रधान है और दूसरा भारत में संघीय सरकार का अभिकर्ता एजेंट या प्रतिनिधि कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंदर राज्यपाल का जो पद है उस पद को केंद्र के एजेंट के नाम से भी कई बार सुशोभित किया जाता है। इस बारे में के एम मुंशी ने विधानसभा में कहा था कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया है वह भी इस बात को स्पष्ट करती है कि राज्यपाल राज्य में केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाता है। कैसे माता है अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार राज्यों की कार्यपालिकाओं को आवश्यक निर्देश दे सकता है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों तथा संचार साधनों की रक्षा का भार सौंप सकता है और अनुच्छेद 258 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तांतरित कर सकती है। राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह ये देखे कि राज्य सरकार इन निर्देशों आदेशों का पालन कर रही है अथवा नहीं। यदि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने की सलाह देता है तो वह इस प्रकार की सलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति के निर्देश मानने के लिए बाध्य कर सकता है। के वी राव के अनुसार राज्य ऐसी आज जैसी उसकी स्थिति है उसे केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया या हटाया जाता है। राज्यपाल वही है जो केंद्र से बनाना चाहता है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यपाल अपने आप कर सके। उसकी भूमिका उस पर निर्भर है जो पीछे बैठा व्यक्ति अपने दोष से करा रहा है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जैसे संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंध है। विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ये कार्य राज्यपाल स्वविवेक के आधार पर करते हैं। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु उसे कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। अगला, असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों के लिए राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ अधिकार प्राप्त हैं। उदाहरण के रूप में संविधान के द्वारा असम का राज्यपाल असम की सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों को स्वविवेक के आधार पर निपटारा कर सकता है। इस प्रकार हमने आज राज्यपाल के बारे में बात की। इन सब के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि रूप में ये देखता है कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतिकतावाद को न अपनाकर समस्त संघ के हितों को ध्यान में रखे। 1906 के राज्यपाल सम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, संकीर्ण प्रांतीयतावाद पर विजय प्राप्त करने में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं के द्वारा तो संभवतः ये सोचा गया था कि राज्यपाल की प्रथम भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में था, द्वितीय भूमिका राज्य के केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में होगी। लेकिन व्यवहार के अंतर्गत अनेक बार राज्यपाल की यह द्वितीय भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसा विशेष रूप से उस समय होता है जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में दूसरी एक विरोधी
राजनीतिक दल की या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार हो। व्यवहार के अंतर्गत जब कभी राज्यपाल इन दोनों भूमिकाओं में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तब राज्यपाल ने केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाई है। विरोधी दल सामान्य रूप से यह निश्चित शिकायत करते हैं कि केंद्र का शासक दल राज्यपाल पद का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। डॉक्टर इकबाल नारायण ने कहा है कि उसे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिए केंद्र के कथित षड्यंत्र के रूप में देखा गया। 1984 में के घटनाक्रम से स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखना अकारण नहीं है। सर्वप्रथम सिक्किम के राज्यपाल त्याग खां द्वारा नर बहादुर भंडारी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीबी गंगारू को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो मात्र 13 दिन तक इस पद पर कार्य कर सके। इसके बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन द्वारा फारूक अब्दुल्ला सरकार को पद से हटाकर जी एम शाह को मुख्यमंत्री बना दिया गया और अगस्त 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल द्वारा एनटीआर सरकार को पद से हटाकर भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसमें अंतिम स्थिति तो निश्चित रूप से रामपाल भास्कर राव के बीच संविधान की पलिता लगाने का षड्यंत्र मात्र थी। उपयुक्त बातों पर हम देखते हैं कि राज्यपाल पद के हित में है न कि भारतीय राजव्यवस्था के हित में। राज्यपाल पदाधिकारी को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि राज्यपाल की केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका और राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में भूमिका समझ स्थापित किया जा सकता है। राज्यपाल का पद बहुत ही संवैधानिक पद होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसकी गरिमा बनाए रखना राज्यपाल के ऊपर हाथ है। यदि राज्यपाल चाहे तो अपने पद और गरिमा को बनाए रख सकता है। राज्यपाल के पद के बारे में कई बार विवाद भी हुए कि यह पद उचितपूर्ण है या नहीं। इसके बारे में निर्वाचन संबंधी भी प्रस्ताव आए, मनोनयन संबंधी प्रस्ताव आए। एक बार तो इतना प्रस्ताव आया कि राज्यपाल का जो पद है उसे राज्य के विधानसभा द्वारा और विधानमंडल द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा भी निर्वाचित किया जाने का प्रावधान होना चाहिए, परंतु संविधान निर्माताओं ने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों में सामंजस्य स्थापित रहे और भारतीय एकल नागरिकता बनी रहे। भारतीय जैसा कि संविधान में लिखा है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था को हम अपनाना चाहते हैं और केंद्र के अधीन रहकर राज्यपाल कार्य करें, इससे अच्छा और कुछ नहीं होता, क्योंकि एकल नागरिकता एकल संघ हमारे यहाँ स्थापित है। इसी प्रकार आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। दूसरी क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। सभी का थैंक्स ऑफ ऑल।